नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग नमस्ते। मैं हूं जया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, गर्भावस्था एक ऐसा फेज है जहां गर्भवती महिला को बहुत सारे सुझाव मिलते हैं, सलाह मिलते हैं। हर कोई उसे अपने अनुभव के अनुसार बताता है, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ये करो, ऐसा मत करो, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जोर जो होता है वो है खाने पीने पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही खाद्य पदार्थ की, और वो है नारियल पानी। तो मेरे पास है नारियल, क्योंकि नारियल पानी मैं एवरी डे पीती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि नारियल पे एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, नारियल पानी को लेके काफ़ी डाउट्स भी रहते हैं कभी कभी गर्भवती महिला के, खासकर दिमाग में रहता है कि नारियल पानी पीना गर्भावस्था में सेफ है या नहीं सेफ है। तो मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था में नारियल पानी पीना बिल्कुल सुरक्षित है। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि नारियल पानी के लाभ क्या हैं गर्भावस्था में, और किन किन परिस्थितियों में आपको ये नुकसान भी कर सकता है, प्लस कब से शुरू करना चाहिए गर्भावस्था में, और एक दिन में कितना पिएं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको राइट साइड पे सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, बस उसे दबा लें और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नारियल पानी एक प्राकृतिक ड्रिंक है जो स्वादिष्ट भी है और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। इसमें मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फोरस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो पहले ट्रिमेस्टर से दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा थकान होती है, फैटिक होता है। ऐसे में अगर आप नारियल पानी पियेंगे तो आपको थकान कम रहेगी, फैटिकनेस कम रहेगा, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर से ही, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस रहती है, उल्टी आना, जी मिचलाना। ऐसे में नारियल पानी आपको इन सारी प्रॉब्लम से राहत दे सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से नारियल पानी बहुत अच्छे से आपके पाचन को दुरुस्त करता है, मतलब आपकी पाचन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है, अपच हो जाता है, सीने में जलन होती, उस तरह की दिक्कत अगर आप नारियल पानी पियेंगे तो कम होगी। प्लस नारियल पानी की एक और खासियत है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और गर्भावस्था में होता क्या है कि हॉर्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स रहते हैं, ऐसे में कभी भी आपका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप चिड़चिड़ापन रहता है, आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हो, आप स्ट्रेस ले सकते हो। ऐसे में अगर आप नारियल पानी पियेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आप रिलैक्स्ड और कूल रहेंगे। नारियल पानी की एक और खासियत है कि ये आपके वजन को भी संतुलित रखता है। गर्भावस्था में वजन बढ़ता है, लेकिन वजन का संतुलित तरीके से बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नारियल पानी क्या है कि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो आपको भरपूर एनर्जी तो देते ही हैं, साथ में आपके पेट को भी हल्का सा फुल कर देते हैं, आपकी मीठी की क्रेविंग को सॉल्व कर देते हैं और आपका वजन संतुलित करने में मदद करते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इससे पीने से डायबिटीज़ नहीं होता। तो डायबिटिक जो लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि अगर मीठा खा लिया या नारियल पानी मीठा है तो ऐसा तो नहीं कि डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अन्य एनर्जी ड्रिंक के मुकाबले काफ़ी सेफ है, सुरक्षित है, और ये आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि नारियल पानी में एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। गर्भवती महिला और शिशु दोनों संक्रमण से बचे रहते हैं या चांसेस उसे बहुत कम हो जाते हैं। इसका एक और फायदा है कि ये प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, यानी बार बार पेशाब बनता है, आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है, लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है। और अगर यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई के चांसेस आपके गर्भावस्था में बहुत कम हो जाते हैं, और अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। शिशु के लिए बहुत अच्छा है, अगर नारियल पानी आप नियमित सेवन करते हैं तो शिशु की स्किन बहुत अच्छी होती है, उसके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जो शिशु के इर्द गिर्द इम्यूनिटिक फ्लूड होता है, जो पानी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में पानी कम पड़ गया, फर्स्ट सेमेस्टर में कभी कभी समस्या ऐसी आती है कि बच्चा सूख गया या पानी कम हो गया, तो डिहाइड्रेशन की शिकायत बिल्कुल नहीं रहती है। और ये इसका नियमित सेवन करने से क्या, इम्यूनिटिक फ्लूड का जो संतुलन है वो पूरी गर्भावस्था में बना रहता है। तो इतने सारे फायदे जानने के बाद तो आप नारियल पानी जरूर गर्भावस्था में पियेंगे ही पियेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इससे पहले बात करते हैं कि कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों, एक दिन में एक ग्लास नारियल पानी पीना काफी है, इससे ज्यादा आपको नुकसान में डाल सकता है। और कब से शुरू करें, तो जैसे ही आपकी गर्भावस्था कन्फर्म हो, आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप नारियल पानी पीना शुरू कर सकते हैं।
तो आगे दोस्तों आगे के वीडियो में हम समझेंगे किन किन परिस्थितियों में नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जरूरत से ज़्यादा सेवन आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कितना नारियल पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहला आता है कि एलर्जी। हो सकता है कि आपको नारियल पानी पीने से एलर्जी हो जाए गर्भावस्था में। गर्भावस्था में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको एलर्जी टाइप कुछ हो रहा है, आपको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अगर नारियल पानी पीने के बाद बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप नारियल पानी ना पिए। इसके पहले हमने समझा था कि बहुत अच्छे से ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन अगर आपको गर्भावस्था में लो बीपी की दिक्कत है, लो ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे में आप नारियल पानी पीना अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने समझा था कि बहुत अच्छे से पाचन को बेटर करता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा नारियल पानी पी लिया तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, और लूज मोशन होंगे गर्भावस्था में तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से निकल जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं है नारियल पानी पीने का। तो इसको संतुलित में पिए, जैसा हमने बोला कि एक दिन में एक गिलास काफ़ी है। इसके अलावा समझा था कि प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, बार बार पेशाब बनता है, लेकिन अगर आप इसको रात में पियेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, और अच्छी नींद गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी प्रकृति का है, ये तो ये आपको ठंडक रखता है, कूल रखता है। ऐसे में अगर आपकी गर्भावस्था विंटर सीजन में चल रही है तो आप नारियल पानी कम कर सकते हैं, या अल्टरनेट डे पिए, या एक हफ्ते में एक बार पी लें, इस तरीके से करें। क्योंकि अगर नियमित सेवन करने से हो सकता है कि आपको ठंड लग जाए, और ठंड गर्भावस्था में नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि नारियल पानी पीना कितना लाभदायक है गर्भावस्था में, लेकिन किन किन परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना है और इसे नहीं पीना है, और एक दिन में कितना पीना चाहिए और कब से शुरू करें। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, और आपकी गर्भावस्था मेरी तरफ से गुड विशेस है कि हेल्दी हो, अच्छी हो। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्ते, और नारियल पानी पीना बिल्कुल ना भूलें।